नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीत। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया और अपनी पिच पर खेलने के लिए वो बाकी पार्टियों को भी बुला रही है। दूसरी पार्टियां राम मंदिर का न्योता स्वीकार करने से डर रही हैं और इसी को लेकर बीजेपी दूसरी पार्टियों पर चढ़ी बैठी है और दूसरी पार्टियां आनाकानी कर रही हैं आने में, लेकिन वो फंस गई। आप जानते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रही, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता अलग ही लाइन पर चल रहे हैं। ऐसे एक नेता हैं जीतू पटवारी, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो राम मंदिर जाएंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी फुल फॉर्म में है और सोच रही है कि 2024 लोकसभा का चुनाव वो इसी नाम पर जीत लेगी, इसलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसलिए पूरी ताकत के साथ बीजेपी और उसके संगठन अपनी पूरी ताकत इस कार्यक्रम में झोंक रहे हैं और देश की सभी पार्टियों के नेताओं और गणमान्य लोगों को आमंत्रण पत्र भी भेज रहे हैं। कुछ लोग इस आमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ इनकार कर रहे हैं। उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का न्योता ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है और इसी पर राजनीति जारी है। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पार्टी लाइन से हटकर बड़ा बयान दे दिया। कहा कि मध्य प्रदेश में भी लाखों कार्यकर्ता और मैं खुद दर्शन के लिए जाऊंगा, लेकिन जब मंदिर सही तरीके से बन जाएगा तब। पटवारी ने आगे कहा कि बीजेपी जो इस पर राजनीति कर रही है, उनको राजनीति सभी लोगों को आर्थिक आधार पर समानता लाने के लिए करनी चाहिए, देश का आर्थिक पिछड़ापन दूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ राजनीति चल रही है, बस इसी से हड़कंप मच गया। और कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से अलग हटकर जीतू पटवारी आखिर कैसे बयान दे सकते हैं। इसी को लेकर बवाल जारी है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में राम मंदिर को लेकर दो फाड़ हैं और छोटे नेता अपने अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और इसी को लेकर मीडिया में वो आलोचना का भी शिकार हो रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि बीजेपी राम मंदिर को लेकर सारी मशीनरियों का प्रयोग कर रही है और जो उसके हिसाब से नहीं है उसको ठीक कर रही है, लेकिन बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर दिया है कि लगे कि राम मंदिर का निर्माण और संघर्ष उसी ने कराया है और कोई करा ही नहीं सकता था, तो विपक्ष इस मुद्दे पर पीछे ना रह जाए। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी की पिच पर खेलना किसी के बस की बात नहीं है और यही कारण है कि बाकी पार्टियां बीजेपी के जाल में फंस जाती हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।